बात करना चाहती हूँ, और ये मेरा पहला हिंदी रिकॉर्डिंग है, और आज का दिन मेरे लिए काफ़ी खास है, काफ़ी ज़्यादा ही खास है, क्योंकि आज मैं कुछ पहली बार करने जा रही हूँ, और जिसका पार्ट ये वीडियो हिंदी में भी है। मेरा नाम है कृतिका सिंह, और मैं एक वेबसाइट पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है www.itskritikal.com, itskritikal.com। अब जब मैंने अपने बारे में बता ही दिया है तो आती हूँ मुद्दे पे। मुझे जानना था कि क्या जब आप किचन में सब्जी काट रहे होते हैं और गलती से चाकू आपके उंगली पे लगती है तो दर्द होता है? होता हो जब गलती से आप सीढ़ी से कभी फिसले हो गए, दर्द होता होगा, चोट भी लगती होगी। और हमारे घर वाले या हमारे आसपास पे जो भी उस टाइम होगा वो हमारी मदद करने आता हो। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे हमें चोट लग सकती है, दर्द हो सकता है, कभी गलती से किसी लड़ाई में किसी से बहस हो गई या हाथापाई हो गई तो तब भी चोट लगती है, कहीं गिर गए, पैर फिसल गया, तब भी चोट लगती है। अब चोट तो लगती है, दर्द होता है, पर जब हम कभी कोई जानवर को चोट लगते हुए देखते हैं तो बहुत बार हमें ये लगता है कि शायद जानवर को उस तरीके से दर्द ना हो जैसे हमें होता है। और बहुत बार आप अपने आसपास देखोगे कि हम शायद उतना ध्यान नहीं देते। मैंने बचपन से देखा है और मैं जहाँ भी गई हूँ मैंने बहुत अलग अलग तरीके से जानवरों पर अत्याचार देखा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि आज नेशनल एनिमल राइट्स डे है। आज के दिन बहुत सारे लोग जो जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, वो मेरे जैसे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि थोड़ा सा ही सही हम एक दूसरे के साथ मिलकर जानवरों के लिए जिंदगी जीना थोड़ा आसान बनाए। एक उदाहरण दूंगी, एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो कि शायद हम देखते भी नहीं हो, शायद हम अनदेखा कर दें, शायद हमें पता भी ना हो कि इतना कुछ एक छोटी सी चीज के पीछे होता है। जब हम दूध पीते हैं, और इंडिया जैसी कंट्री में दूध तो हमारे हर एक खाने का जैसे हिस्सा है, चाहे वो घी हो, मक्खन हो, मलाई हो, दही हो, दूध हो, लस्सी हो, हम पनीर हो, हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं दूध का इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, तुम बड़े होने में तुम्हें दिक्कत होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होगी। पर डॉक्टर्स का आज के डेट में ये पाया जाता है कि दूध पीने से भी बहुत सारी हानिकारक चीज़ें होने लग गई हैं, क्योंकि जो गाय पहले जिस तरीके की होती थी अब उस तरीके से गाय का पालन पोषण नहीं किया जाता है, उनके अंदर इंजेक्शंस दिया जाता है जिससे उनके खून में हानिकारक केमिकल मिलता है जो कि हॉर्मोन्स में बनकर आपके बच्चों के या आपके अंदर दूध पीने से आती है। अब जब हम गाय की बात करते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री है, और अगर आप कोई भी बड़ी जगह से दूध ले रहे हो खास करके, तो ये होता है आप जब एक गाय से दूध निकलने से आप तक पहुंचने के बीच का जो साइकिल है वो शायद हम ध्यान नहीं रखते हैं। गाय दूध इसीलिए दे पाती है क्योंकि गाय अभी बछड़े को पैदा करके बैठी है, या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी। अगर लड़की पैदा हुई तो यहाँ कुछ उल्टा चलता है, यहाँ पे ये होता है कि लड़कियों को रखा जाता है क्योंकि वो आगे दूध देने के काम आएगी, और अगर बछड़ा लड़का हुआ तो उस बछड़े को लेके या तो हफ्ते भर तक उसे बांध के भूखा रखा जाता है जिससे धीरे धीरे वो दम तोड़ देता है, और उसके बाद उसको लेदर के इंडस्ट्री में बेच दिया जाता है या उसको फौरन ही किसी भी मीट के दुकान पे बेच दिया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये बिजनेस है,
और ये जो गाय है जिसका बछड़ा अभी छीना गया है उसका दूध हम तक पहुंचता है। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि गाय ज्यादा दूध दे देती है और अगर ज्यादा दूध बछड़ा पी गया तो वो मर जाएगा। बट गौर से समझिएगा कि जब ये बिजनेस हो जाता है तो क्या बछड़ा को जिंदा रखने तक का भी दूध मिलता है? आधे से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे जगहों पे जाके चीजें देखी है। मैं एनिमल राइट्स में काफी दिनों से काम कर रही हूँ एंड जब चीजें देखती हूँ तो आंखें चकाचौंध रह जाती है कि इतना ज्यादा पेन, इतनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है इन गायों को जो बंधे बंधे पता नहीं कितने देर तक अपने बछड़ों के लिए रोती है और लेकिन अंत में वो बछड़ा उससे छीन लिया जाता है। और जब ये गाय 4 से 5 साल तक दूध देते रहती है वो गाय के दूध का क्वालिटी कम हो जाता है। उसके बाद ये गाय या तो फिर से लेदर के लिए बेच दी जाती है या मीट के लिए बेच दी जाती है। और इंडिया विश्व के टॉप 5 गाय एक्सपोर्टरों में से एक है और ये इसलिए होता है क्योंकि बाहर के देशों में गाय को खाया जाता है ज्यादा, इंडिया से ज्यादा मात्रा में। अब ये तो था एक उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण हैं। बट मेरा काम बस आज ये आपको बताना था कि जब अगली बार आपकी उंगली से खून आए या आपको दर्द हो तो ये जरूर जानिएगा कि जितने भी जानवरों को हम खाते हैं वो भी इसी तरीके का दर्द और पेन सहते हुए मरते हैं। एंड सच बताओ तो इससे काफी ज्यादा लेवल पे ये पेन होता है। 2019 में कुल मिलाकर 150 अरब जानवर मरे थे और ये मरे थे हमारे खाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जो मेकअप हम लगाते हैं उस मेकअप पे टेस्ट करने के लिए या फिर लेदर बनाने के लिए और नहीं तो एंटरटेनमेंट के लिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर इतने जानवर पैदा हो रहे हैं और अगर हम उन्हें खाएंगे नहीं मारेंगे नहीं तो उनका होगा क्या, सच ये है कि ये सारे जानवर फार्म एनिमल्स होते हैं, यानी कि इन जानवरों को बनाया ही खाने के लिए जाता है। जिस दिन हमने इसे खाना छोड़ दिया, इसे इसका यूज करना छोड़ दिया, उस दिन कंपनियां मजबूर हो जाएंगी जानवरों से हटके कुछ और सोचने के लिए, कुछ और बिजनेस में घुसने के लिए। एक कंज्यूमर की तरह, एक ग्राहक की तरह ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से जानवरों पे होने वाला ये अत्याचार रोकते हैं। ये मेरा पहला एपिसोड था और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में और भी एपिसोड्स करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जा करके कमेंट या मैसेज करके या फिर मुझे ईमेल लिख करके itskritikan@gmail.com पे। मैं इंतजार करूंगी ये जानने का कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड यही कहते हुए मैं कृतिका सिंह आज आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया।